कैसे स्वागत करते हैं यार ये लोग। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईएनएस ब्लॉग्स और आज मैं आपको ले जाऊंगा चांदोगढ़। फिलहाल मैंने दो दिन ताज में स्टे किया, अभी हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं चांदोगढ़ फोर्ट। वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इवन इस होटल का भी जहाँ मैं रुका था वहाँ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पर चांदोगढ़ मेरा बहुत टाइम पहले से जाने का मन है तो आज हम चांदोगढ़ के लिए निकल रहे हैं। और चांदोगढ़ पहुँच के आपको दिखाएंगे वहाँ पर बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये चांदोगढ़ फोर्ट शिवाजी महाराज ने साहू जी महाराज को दिया था गिफ्ट में, और साहू जी महाराज ने अपने सूबेदार को गिफ्ट कर दिया था। तो आइए देखते हैं वीडियो पूरी और कमेंट में ज़रूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे कुछ फ्लावर्स हैं जो बहुत दूर दूर तक दिख रहे हैं, मतलब ये पूरे दोनों हाईवे की तरफ से है यार, और क्योंकि नेचर की ब्यूटी को बढ़ा देता है। तो क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुवराज। यार तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैंने तुम्हें देखा। किस क्लास में हो तुम? फिफ्थ क्लास में हो। तो ये अमरूद की दुकान तुम्हारी है? तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं? जॉब पे हैं। और तुम अमरूद बेचते बेचते पढ़ाई कर लेते हो? ओके। कुकीज़ है, कुकीज़ मैंने अपने लिए पैक कराया था। हाँ, बाद में। कितने रुपए किलो है तुम्हारा अमरूद? 70 रुपए किलो है। पर तुम ये क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश? इंग्लिश बोल लेते हो यार। यस, ओके यार, चलो बाय। अच्छा लगा यार मिलके, तुम बहुत मेहनती हो यार। चलो बाय दोस्त, टाटा। यार फाइनली मैं फोर्ट पहुंच गया हूँ। कैसे स्वागत करते हैं यार ये। पैकिंग का बहुत अच्छा एक्सप्रेस पर पार्ट पे लेके जाते हैं। अच्छा, के लिए ठीक है। पोस्ट स्विच वगैरह कंपलसरी रहता है। चेक वगैरह करो, पासपोर्ट देने का इंतजाम करके बताना, फाइल करके आपका मेरे को कॉल कर, ठीक है? ओके, ये पूरा इसके कितने साल पुराना टेंपल है? 112 साल पुराना, पेशवे के काल का है। किस किन भगवान का है? गणपति भगवान का है। 312 साल पुराना है। ये गेस्ट एक्टिविटी है यहाँ पे, आप जब आएंगे तो आपको सुबह से लेके रात तक की सारी एक्टिविटीज जो है प्रॉपर मेंशन की गई है, और हर चीज़ के लिए एकदम टाइम पे आपको अवेलेबल रहना है। पूरी मुंबई में कहीं मतलब महाराष्ट्र में कहीं स्विमिंग पूल नहीं खुला था, और चांदोगढ़ में स्विमिंग पूल खुला हुआ है। तो ठीक है यार, जिस चीज़ के लिए बुक किया था फाइनली वो यहाँ मिल गई, ताज में नहीं मिली थी। बाकी देखते हैं कैसा है, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ। यार ये सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत फ़ायदे का सौदा है। और यार ये बाकी की डिटेल्स है, क्या है कैसे है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर वंबर दिया है, जिसको आना हो फ़ोन करके पूछ लेना, अपना रुपया पैसा यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है?
या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ में रात में उस प्रॉपर्टी को या उसके बाहर गए या प्लीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें, बाहर घूमने बाहर जाने की कोशिश ना करें रात में तकरीबन 12-1 बजे के बाद, बिकॉज बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें भी वहाँ होती हैं जो मैंने वहाँ की स्टोरी सुनी। इवन मतलब पुणे हाईवे पर एक कहानी बहुत फेमस है कि लोग गायब हो जाते हैं। तो ऐसे रात के अंधेरे में कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे आपको हार्म पहुंचे, आपको खतरा हो। खैर ये जगह बहुत अच्छी है बट रात में थोड़ी सी डरावनी है बाहर जाने के लिए। आइए देखते हैं आगे की वीडियो और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आपको अभी तक ये वीडियो कैसी लगी। टेंट रूम है तो कितने टेंट रूम है टोटल यहाँ पे? 12। और ये टेंट रूम है ना? ये क्या झील है? लेक है। हिरन मिलते हैं यहाँ पे? मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? मेरे को तो वो पहचान की होगी यार, ये चांद इधर है और सूरज जो है एक साथ निकले हुए हैं। ये सूरज है इधर, इधर सूरज निकला हुआ है और ये चांद निकला हुआ है। तो यार जादवगढ़ के ये टेंट्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, यहाँ ढेर सारे लोग एक साथ रुक सकते हैं ग्रुप स्टे, मतलब जैसे आप 5-6 लोगों का ग्रुप हो, 6 लोगों का पूरा एक साथ रूम लेके ग्रुप स्टे कर सकते हैं। अच्छा ग्रुप स्टे ऐसे? ओके। और यार ये वुडन क्या है ये दादा? वुडन फॉरेस्ट कॉटेज। और ये आप ग्रुप के साथ भी यहाँ स्टे कर सकते हैं। बहुत बड़े हैं यार, काफ़ी सुंदर हैं। और ये सामने का व्यू है उसके, और यहाँ पे आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं आगे। यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक गार्डन है यहाँ आगे। यार ये वेडिंग एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है वेडिंग के लिए, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रॉपर इसको इन्होंने तैयार किया हुआ है स्पॉट को। और यार तो जिसको भी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है वो यहाँ आ सकता है, और लाखों रुपये का बस खर्चा है और कोई बात नहीं है। लाखों में ही बात होती है क्यों दादा? लाखों में ही बात होती है, हज़ारों का नहीं कुछ काम है। तो यार फाइनली ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। We'll be right back.
यार ये पत्थर है छोटा सा, इसको उठाने पे जो है सरप्राइज गिफ्ट मिलता है। देखते हैं मैंने उठा लिया मुझे क्या मिलता है। ये लिखा हुआ है इफ यू विल लिफ्ट दिस स्टोन अप टू 10 स्टेप्स यू विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट विद 1 thumb and 4 fingers ओनली। और ये मुझे गिफ्ट मिल चुका है, देखते हैं इसमें क्या है। तो यार ये सरप्राइज गिफ्ट मिला है मुझे और ये झोला दिया है इन्होंने, बट ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर, वाह। इसका पत्ता ही है, उससे बजाते हैं इसे। हाँ। एक बार बजाइए इसे। अरे वाह, तो फाइनली वापसी, जादूगढ़ फोर्ट की कहानी खत्म। जादूगढ़ फोर्ट पे लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने वो सारी चीज़ें की वहाँ पे, वो सारे स्पोर्ट्स और सारी चीज़ें और ट्रैकिंग वगैरह की भी पूरी व्यवस्था थी। कुल मिला के जमा बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार जगह है, आप भी जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thank you.